हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं वेदपाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किंग्स इंडस्ट्री। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है या स्टेबलाइजर है, वॉल माउंटेड 0.5 kVA, 10 kVA, 7 kVA, इसके अंदर जो हम रिले लगाते हैं वो किस तरह की होती है और वो क्या काम करती है, कैसे काम करती है। पहले तो आज इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि हम वो किस तरह की रिले और कौन सी रिले उसमें लगाते हैं। ठीक है, ये रिले है, छोटी रिले है, ये इससे बड़ी रिले है, एक ये रिले है जो हमारे 0.5 ट्रांसफार्मर में लगती है। ये जो रिले है 30 एम्पीयर की है, सिंगल कॉन्टैक्ट, और ये ज़्यादातर एसी के ट्रांसफार्मर, जो एसी के ट्रांसफार्मर होते हैं या एसी के स्टेबलाइजर होते हैं, ये उनमें लगते हैं। और एक ये रिले, ये इस रिले से ये बड़ी है, ये भी 30 एम्पीयर की है और 24 वोल्ट की है, ये भी 30 एम्पीयर है और 24 वोल्ट की है, ये भी सिंगल कॉन्टैक्ट है और ये भी सिंगल कॉन्टैक्ट है, बट ये स्मॉल इन साइज है, ये बिग इन साइज है। ठीक है, काम इन दोनों का एक है, एम्पीयर भी सेम है, वोल्टेज भी सेम है और जो इनका मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सेम है। अगर आपने देखना है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। हाइट जो है इसकी थोड़ी सी बड़ी है और कॉइल भी इसका थोड़ा सा बड़ा है। ये जो रिले है 5 किलोवाट में ही ये लगती है और उसी में ही 10 किलोवाट में जो है हमारी बड़ी, इससे भी बड़ी रिले आ जाती है, वो होती है 60 एम्पीयर की। तो ये 10 किलोवाट में काम नहीं करती है, ये 5 किलोवाट में, जैसे ये हमारा ये एसी का ट्रांसफार्मर उसमें लगाते हैं, उसमें लोड कम रहता है इसलिए उसको स्मॉल इन साइज में जो छोटी है वो लगाते हैं। ये 5 किलोवाट का है जो इसमें घर का लोड होता है, जो 5 किलोवाट का लोड है उसमें लगाते हैं। एसी के ट्रांसफार्मर में लोड कम रहता है इसलिए इसको हम छोटी लगाते हैं। ठीक है, तो इसको हम पैक कर देते हैं वापस। ये जो छोटी रिले है ये होती है 18 वोल्ट की और 5 एम्पीयर की, इसका भी सेम प्रोसेस सेम है मगर इसका जो कॉइल है वो 18 वोल्ट का है, ये इसमें लिखा हुआ है 18 वोल्ट, ये देखो 18 वोल्ट और ये 5 एम्पीयर की है, तो इसमें जो है 6 एम्पीयर लिखा है मगर ये 5 एम्पीयर तक लोड लेती है। ये चाइनीज रिले है तो इसमें भी सिंगल कॉन्टैक्ट है, ये एक तरफ कॉइल है और दूसरी तरफ इसके NO और NOC। ठीक है, ये सबसे छोटी रिले, उसके बाद ये बड़ी, उसके बाद ये बड़ी और उसके बाद ये बड़ी, इसके बाद भी एक और बड़ी होती है जो है 10 किलोवाट या 15 किलोवाट ट्रांसफार्मर के बीच में लगती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इतना ही। इसके अब इंटरनल कनेक्शन वो कैसे हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो खोल के रखी है मैंने, जैसे ये सबसे बड़ी है, ये 30 एम्पीयर की है और अच्छा कॉइल है, कॉपर कॉइल है, साथ में इसके जो थिम्बल हैं वो भी अच्छे हैं। अगर आप देखना चाहो नज़दीक से तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये इसके थिम्बल हैं इस तरह से, ये रिले है। ये जो ऊपर कनेक्शन है इसको मैं वापस डाल देता हूँ, ये इसके जो कनेक्शन है ऊपर, ऐसे करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है आपका कॉमन पॉइंट रहता है, ये नॉर्मल ओपन रहता है और ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट में रहता है। ये जो है इसकी पावर सप्लाई जो मैग्नेट फील्ड बनाती है, इसमें देखो लिखा भी है 24 वोल्ट डीसी। ये जो है 24 वोल्ट डीसी वोल्टेज से ऑपरेट होती है, ठीक है, ऑपरेट होती है। सेम जो है छोटी रिले यहाँ पर, ये भी 30 एम्पीयर और 24 वोल्ट से ऑपरेट होती है। इसमें भी कॉमन इस तरफ है, इसमें भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट यहाँ है, इसमें भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट यहाँ पर है, इसमें भी नॉर्मल ओपन यहाँ पर है और इसमें भी नॉर्मल ओपन यहाँ पर है। सेम ऐसी ही ये छोटी जो है, इनमें जो है मैग्नेट फील्ड वाली जो है
24 वोल्ट की जो कॉइल है उसके कनेक्शन यहाँ पर है, 18 वोल्ट की रिले है। इसमें जो कॉइल के कनेक्शन है वो ये सबसे पहले ऊपर वाले, एक ये और एक ये इसका कॉमन पॉइंट, ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट, ये नॉर्मल ओपन, ये दो जो हैं इसकी कॉइल के, मतलब 18 वोल्ट जो कॉइल है, 18 वोल्ट इसको डीसी मिलेगी, तो ये कॉन्टैक्ट जो है आपस में जुड़ जाएंगे। मेन की 18 वोल्ट मिलने पर ये रिले जो है ऑपरेट होगी। सेम ऐसे ये है, ये भी 24 वोल्ट है, 20 वोल्ट से अच्छी तरह से ऑपरेट हो जाती है, ये भी अच्छी है, ये भी 24 वोल्ट है और 20 वोल्ट से अच्छी तरह से ऑपरेट हो जाती है। एक और छोटी सी रिले है, ऐसे रखो इस तरफ और इस तरफ, ये आपके कॉइल कनेक्शन है इसके, ये सेंटर में कॉमन है और ये दोनों एक कनेक्शन, ये एक ही है, ये वाला नॉर्मल ओपन है और ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट है। इसमें लिखा भी है यहाँ पर, अगर इसको उल्टा करके देखें, लिखा नहीं होता है, एक निशान रहता है यहाँ पर, डॉट बना होता है यहाँ पर, मेन जिस तरफ डॉट बना है मतलब वो नॉर्मल ओपन है, दूसरी जो है नॉर्मल कॉन्टैक्ट है। ये थी चाइनीज रिले, ये थी हमारी रिले जो मैंने अभी आपको बताई है। ये हम अपने ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं, जो ट्रांसफार्मर हमारा एसी के लिए भी काम आता है, लोग बहुत पसंद करते हैं उसको, देखने को बहुत अच्छा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थम्स अप करें, लाइक करें, शेयर करें।